एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई बन, जो कि साड़ी के साथ बहुत ही स्टाइलिश लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम प्रीत तिवारी 24 है और जो मेरा सेकंड चैनल है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, जिसमें मैं अमेजिंग ब्लाउज की डिजाइन लेकर आते रहती हूँ, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी बोलने से सांस फूलने लग जा रहा है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से अपने बालों को लूँगी और ऐसे कॉम करके, इस तरीके से कॉम करोगे तो काफ़ी अच्छा सा लुक आता है, स्टाइलिश लगता है। चाहो तो ऐसे साइड मांग भी रख सकते हो। तो ज़्यादा फ्लैट कॉम नहीं करना है, इस तरीके से करना है और यहाँ से लेके हल्का सा पुलाव इस तरीके से बाहर की तरफ ढकेलते हुए बालों को यहाँ पे एक क्लिप लगा देनी है, जिससे कि जो हमारा बालों का लुक है वो यहाँ पे पफ सा बना रहे। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा खींच लेंगे और यहाँ पे एक क्लिप लगा देंगे। टिक टिक क्लिप, बॉबी क्लिप, जो भी आपके पास है। मैं इस टाइप की क्लिप यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लगाएंगे। ओके, एक क्लिप और लगाएंगे इसको क्रॉस करते हुए, ताकि ये जो हमारा हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए बाद में। इसके लिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिप जो है इसके ऊपर ही इस तरीके से लगा देंगे। आप इस तरीके से अगर क्लिप लगाते हो तो आपका हेयर बिल्कुल भी सरकेगा नहीं और एकदम एक जगह पे टिका रहता है, क्लिप्स भी लूज नहीं पड़ती हैं। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बालों को खींच के यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये चीज़, ये हेयर स्प्रे है, जिसको आप मार दोगे तो जैसे रखोगे वैसे आपका हेयर सेट रहेगा। और जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी अच्छे से ये सेट कर देता है और बहुत अच्छा लुक आता है बालों में। ओके, अभी सारे बालों को एक हाई पोनीटेल बना लेनी है। बहुत ही अच्छा लुक आएगा और बहुत स्टाइलिश सा लगता है इस तरीके का आप बन बनाते हो तो। जो भी यहाँ से हेयर निकल रहे हैं उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, बाद में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है, अच्छे से पोनी को कॉम कर लेंगे और यहाँ से जो हेयर इधर उधर हो रहे हैं इसको यहाँ पे एक और क्लिप लगा देंगे, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। ओके, वाह, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा लुक आ गया है यहाँ पे फ्रंट में हमारे बालों का। अभी इस टाइप का हेयर स्टाइल टूल्स मैंने मंगाया था, कल वीडियो अपलोड की थी, जो कि बहुत ही प्यारे से क्यूट से हेयर स्टाइल मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे सिंपली हेयर स्टाइल टूल्स को इस तरीके से नीचे की तरफ से इस तरीके से इन करेंगे और सारे बालों को इसके अंदर इस तरीके से निकाल लेंगे और हेयर स्टाइल टूल्स को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ से खींचेंगे और हेयर पूरा अच्छे से आपका हेयर निकल जाएगा, जैसे कि फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। अब इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक क्लचर ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो बन बनेगा उसमें वॉल्यूम दिखेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बालों को उठाया है और जहाँ पे हमने ये ट्विस्टिंग हुई है बालों की उसके ऊपर ही जस्ट क्लचर को ऐड कर दिया है। इस तरीके से बालों को अच्छे से कॉम करके फैला लेंगे। अगर मेरी तरह हेयर हैं तो विदाउट कॉम के भी चल जाएगा, मेरे हेयर काफ़ी छोटे हैं लेकिन फंसते नहीं हैं। और यहाँ पे एक रबड़ बैंड यूज करेंगे, पतला वाला जो रबड़ बैंड होता है, इस टाइप का रबड़ बैंड। और यहाँ पे इसको रबड़ बैंड को लगा के एक यू पिन लेना है और यहाँ पे रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर थोड़ा सा हेयर ले लेंगे और हेयर को सारा हेयर अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से
यू पिन को लगा देंगे। ओके, ये आपका जो बन होगा वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड बिल्कुल भी निकलता नहीं है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है और बहुत ही आसान तरीके से आप पार्टी में ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। इसके साथ आप कोई फ्लावर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे लगा लो, नीचे में लगा लो, बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं दो तीन यू पिन और सेट कर दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी मार्केट जाना है और हेयर स्टाइल खुल ना जाए। तो मेरा यहाँ पे बन बन के रेडी हो चुका है और ये क्लचर की मदद से काफ़ी खूबसूरत सा बन यहाँ पे बन के आपको मिलेगा। एंड जो आपके यहाँ पे बेबी हेयर्स निकलते हैं वहाँ पे स्प्रे मार के कॉम से इसको अच्छे से सेट कर लूँ। पतले दांतों वाला कॉम यूज़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे चौड़े दांतों वाला कॉम यूज़ किया। बैक से जो हेयर निकलते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इनको सेट कर लेना चाहिए। और फ्रंट से मेरे बाल काफ़ी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो। कैसा लगा आप लोग को हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। यहाँ से जो हेयर निकल रहे हैं इसको भी कॉम करके और स्प्रे लगा देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरीके की अमेजिंग इजी ट्रिक्स से स्टाइलिश हेयर स्टाइल देखने। आप इसके साथ आप चाहो तो पल्लू भी सेट कर सकते हो, मैं पल्लू सेट करूँगी क्योंकि मुझे अभी मार्केट जाना है। तो कैसे पल्लू सेट करना है वो बता देती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोग को हेयर स्टाइल। तो मैं मार्केट जाती हूँ तो पल्लू सेट करके ही जाती हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पल्लू को रख लूँगी और जितना आपको रखना है उतने पे आप लगा के, जैसे जितना आपको फ्रंट से पल्लू रखना है आप चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, मैं यहीं तक रखूँगी। और यहाँ पे जुड़ा पिन लेना है और इस तरीके से जुड़ा पिन को साड़ी के अंदर इन करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साड़ी आपकी फट जाती है या फिर कुछ कुछ नहीं होता है, सिंपली जैसे पिन लगाते हो आप उतना ही गैप होता है इसके इसको लगाने से भी, और बाद में मैनेज हो जाता है। जब आप निकाल देते हो जुड़ा पिन तो आपकी साड़ी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। दो तीन यू पिन लगा देंगे ओके। अब इस तरीके से आप कहीं भी जाओ, मार्केट जाओ, कुछ भी शॉपिंग करनी है, अगर आप बहू हो तो आप भी पल्लू लेके ही जाती होंगी, तो आप इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। अगर आप कोई बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना रहे हो तो जो जॉर्जेट वाला या फिर नेट वाला जो दुपट्टा होता है वो यूज करोगे पार्टी वगैरह में, तो काफ़ी अच्छा आपका हेयर स्टाइल का लुक भी रहेगा और आप पल्लू भी रख लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते प्लीज़ दो सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए जिससे मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। बाय बाय।